नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं प्रदीप सर आप लोगों के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की सटा सट खबरों पर। भीलवाड़ा में बाइक के सामने ही अचानक गाय, बाइक सवार महिला की हुई मौत, पति घायल। भीलवाड़ा चित्तौड़ राजमार्ग पर हुई यह घटना। बीकानेर में मौसमी बीमारियों ने बढ़ाई मुश्किलें। पीबीएम के बच्चा हॉस्पिटल में लगाई मरीजों की लंबी कतारें। एक दिन में 700 से 800 मरीजों का रिकॉर्ड टूटा। जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 में सचिवालय में चल रही चुनाव को लेकर बैठक। बैठक में शामिल होने आए जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी। जयपुर में राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई शुरू। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हो रही बैठक। आयुक्त पीएस मेहरा, बीजेपी से ओंकार सिंह लखावत, कांग्रेस से सुशील शर्मा बैठक में मौजूद। चूरू में सरदार शहर में दर्दनाक हादसा। झोपड़े में आग लगने से 4 बच्चे जिंदा जले। झुलसने से 4 बच्चों की हुई मौत। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं 4 बच्चे। ब्यावर में टीबी रोगियों के अधिकार विषय पर AKH में बाधक हुआ आयोजन। समन्वय भूपेंद्र सिंह ने अक्षय प्रोजेक्ट के बारे में दी जानकारी। टीबी क्लिनिक प्रभारी डॉक्टर लोकेश गुप्ता ने टीबी रोगियों को समय समय पर उपचार देने की दी सलाह। जयपुर में हाईकोर्ट से कोरोना वायरस को लेकर बार अध्यक्ष ने की मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात। अध्यक्ष अनिल चौधरी ने की सीजे इंद्रजीत महांती से मुलाकात। सेंशन कोर्ट में SC के सामान गाइडलाइन जारी करने पर चर्चा। नागौर विधायक डॉक्टर मंजू मेघवाल ने ली बैठक। जलदाय विभाग नहर परियोजना के कार्मिकों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गर्मी को देखते हुए गाँव में पेयजल की व्यवस्था को लेकर की समीक्षा। किसानों ने जलाई विद्युत बिलों की होली। 33 किलोवाट GSS बस्सी नगर पर जलाए गए विद्युत बिल। बिलों पर सब्सिडी दिलाने की मांग को लेकर बिलों की होली। किसान नेता हरी सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में जलाए गए बिल। जयपुर में सचिन पायलट के निर्देश में सभी पंचायतों को सावधानी बरतने के निर्देश। फिलहाल ग्राम सभाएं भी ना करें आयोजित, ना ही कोई और बड़ी बैठक बुलाई जाए। मनरेगा को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। पायलट ले रहे हैं ग्रामीण विकास पंचायती राज की बैठक। सटाफट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।